तो कांग्रेस के वॉर रूम से अपडेट कराने के बाद अब हम आपको आरएसएस के चक्रव्यूह की खबर दिखाते हैं। आरएसएस के चक्रव्यूह में क्या कुछ है, लोकसभा के दल में आरएसएस भी अपनी अहम भूमिका में नजर आ रहा है। प्रदेश की सभी सीटों पर आरएसएस ने बीजेपी को जिताने के लिए अभियान छेड़ रखा है, लेकिन विशेष फोकस प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर है। इन 5 सीटों पर आरएसएस ने चक्रव्यूह रचना तैयार की है, ये रिपोर्ट देखिए जरा। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। लोकसभा चुनाव का प्रचार चरम पर है। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी सक्रिय हो चुका है। वैसे तो राजस्थान में 25 सीटों पर चुनाव हो रहा है, लिहाजा आरएसएस ने तमाम लोकसभा सीटों पर व्यूह रचना तैयार की है, जिसके आधार पर संघ लगातार मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने की मुहिम पर काम कर रहा है। पर आरएसएस ने 5 लोकसभा सीटों को लेकर खास तौर पर विशेष व्यूह रचना तैयार की है, जिनमें करौली धौलपुर, अलवर, टोंक सवाईमाधोपुर, सीकर और जोधपुर हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों की पिछले दिनों हुई बौद्धिक मंत्रणा में इन 5 सीटों पर विशेष फोकस रखने की रणनीति बनी है। आरएसएस ने जिन सीटों पर नया विनिंग प्लान बनाया है, उनमें करौली धौलपुर में बीजेपी का फोकस एससी एसटी वोट बैंक है, साथ ही बैरवा कोली समेत अन्य जातियों को साधा जा रहा है। इस सीट पर 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बेहद कम अंतर से जीत मिली थी। यही वजह है कि आरएसएस ने विशेष तौर पर अपना अभियान चला रखा है। ओबीसी और सवर्ण वोट बैंक करौली धौलपुर में मतदान के प्रति थोड़ा कम जागरूक माना जाता है। इस वोट बैंक को वोटिंग के लिए जागरूक करने का अभियान जारी है, ताकि इस वोट बैंक को पोलिंग बूथ तक पहुंचाया जा सके और बीजेपी के पक्ष में मतदान कराया जाए। वहीं अलवर लोकसभा क्षेत्र में मेवात इलाकों में, जहां पर हिंदू वोट बैंक की संख्या मुस्लिम से कम या कमोबेश बराबर है, वहां आरएसएस 90% से भी ज्यादा पोलिंग रणनीति पर काम कर रहा है। आरएसएस के अनुषांगिक संगठन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता एक एक वोटर्स को जागरूक कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं की पूरी फौज घर घर जाकर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के साथ खुद के पारंपरिक वोट बैंक को वोटिंग के प्रति जागरूक कर रही है। सीकर में सुमेधानंद सरीखे संत के सामने मुसीबत ये है कि कांग्रेस के सधे हुए नेता सुभाष महरिया पहले भाजपा में रह चुके हैं, बीजेपी के चक्रव्यूह को भेदने की हैसियत भी रखते हैं, लिहाजा बीजेपी के साथ आरएसएस ने प्लानिंग बनाई है मोदी और सिर्फ मोदी को पीएम बनाने के लिए जनता में अभियान चलाया जाए। रणनीति ये भी है कि किसान तबके को कर्ज माफी जैसे मुद्दे पर कांग्रेस के खिलाफ तैयार करना है और बेरोजगारी भत्ते के मुद्दे को भी भुनाना है। बाबा भले ही जाट हैं, लेकिन बीजेपी और संघ की दलील है कि साधु की कोई जाति नहीं होती। सुभाष महरिया के चुनावी प्रबंधन के तोड़ के लिए आरएसएस हर एक क्षेत्र में विचार परिवार को गुप्त रूप से प्रचार के साथ हर क्षेत्र के बदलाव का भी फीडबैक लगातार दे रहा है। टोंक सवाई माधोपुर सीट को भी आरएसएस इतना आसान नहीं मानता। यही कारण है कि आरएसएस मुस्लिम इलाकों के आसपास के हिंदू वोटर्स को जागरूक करने का अभियान लगातार चला रहा है। सामान्य सीट पर मीणा समुदाय के नमो नारायण मीणा को कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी बनाया जाना आरएसएस के लिए इसलिए भी चिंता का विषय है कि अब मीणा वोट बैंक में कितनी सेंध लगाई जा सकती है, इस पर आरएसएस लगातार काम कर रहा है। फिलहाल किरोड़ीलाल मीणा सरीखे नेता भी एक्शन में नजर नहीं आ रहे। आरएसएस विचार परिवार का बड़ा तबका क्षेत्र के प्रवास पर है, जो गुप्त तरीके से अपने अभियान में जुटा हुआ है। जोधपुर सीट पर आरएसएस इसलिए सबसे ज्यादा जोर लगाए हुए है क्योंकि ये सीट राजस्थान की सबसे हॉट सीट बनी हुई है। कारण साफ कि एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत हैं, तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। ऐसे में आरएसएस ने इस सीट पर हर एक वोट पर पूरा होमवर्क करने की कवायद शुरू कर दी है। आगामी दिनों में आरएसएस के कई पदाधिकारी भी जोधपुर प्रवास पर रहेंगे।
बहरहाल आरएसएस और उसका विचार परिवार 25 की 25 सीटों पर बिना लवाजमे और तामझाम के चुनाव प्रचार अभियान में जुटा है, लेकिन 5 सीटों पर आरएसएस ने सबसे ज्यादा फोकस कर रखा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आरएसएस इन 5 सीटों पर क्या कमाल करवा पाता है। ऐश्वर्या प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।